एवरीवन, तो ये आप देख सकते हैं वॉल, जो ये वाली वॉल है इस पे अब हम वॉलपेपर इंस्टॉल करेंगे। इस वॉल की जो लंबाई है वो है 10 फीट एंड जो इस वॉल की विड्थ है, चौड़ाई है, वो है 12 फीट। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको पूरा वॉलपेपर का जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो दिखाऊंगा, समझाऊंगा, उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऑल्सो डू पुट इन आवर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन। सो ये आप देख सकते हैं वॉलपेपर का रोल है, इसकी जो विड्थ है वो है 42 इंचेस एंड जो इसकी लंबाई होती है वो है 10 मीटर। ये प्रीमियम क्वालिटी का कोरियन वॉलपेपर है। सो इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो पेपर क्वालिटी है वो भी काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी लग्जरी है। आप देख सकते हैं जनरली जो वॉलपेपर आते हैं वो 21 इंच जो इसकी विड्थ होती है और 10 मीटर की लेंथ में आते हैं। सो वो जो वॉलपेपर होते हैं वो 50 स्क्वायर फीट ऑफ वॉल कवर करते हैं। आते तो वो 57 स्क्वायर फीट के हैं बट कटिंग वगैरह के बाद, वेस्टेज वगैरह के बाद वो 50 स्क्वायर फीट कवर करते हैं। बट ये जो रोल है ये जंबो रोल है, काफ़ी कम जगहों पर मिलता है। तो ये वाला जो रोल है ये 10 बाय 10 की दीवार में एक रोल मोर देन अनफ होता है। तो बेसिकली आप मान सकते हैं कि डेढ़ रोल हमारा जो है इस दीवार पर लगेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, हमने मेजर करके जो वॉलपेपर की लेंथ है उसकी कटिंग कर ली थी। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है वो ये है कि अब हम इसके जो पेस्टिंग के लिए हम एक मिक्सचर तैयार करेंगे। तो पानी के अंदर हमने सबसे पहले फेविकॉल मिलाया एंड उसके बाद हम ये CMC पाउडर आता है, स्पेशली वॉलपेपर्स के लिए आता है। एक जो ये पैकेट आता है लगभग 100-150 रुपए का आता है एंड उसके अंदर 12-13 रोल बन जाते हैं। तो वो अब हम इसको मिक्स करके पानी एंड CMC पाउडर एंड फेविकॉल को मिलाया हमने एंड जो ये वॉलपेपर की बैक साइड है उसके ऊपर इसको स्प्रेड करना, इसको फैलाना, इसको लगाना हमने चालू कर दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ये कि आप इसको प्रॉपरली लगाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंट ब्रश, जो ये पेंटिंग वाली ब्रश आती है, इससे हम अब हम ये जो वॉलपेपर की बैक साइड है उसके ऊपर अब हम ये लगा रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि सीलन, जहाँ पे सीलन वाली सीपेज या डैम्पनेस वाली वॉल पे आपको वॉलपेपर इंस्टॉल नहीं करना है, उसके लिए एक दूसरा प्रोडक्ट आता है जो कि होता है PVC पैनल्स। हम उसमें भी डील करते हैं, तो आप वो इंस्टॉल करा सकते हैं या फिर आप टाइल्स इंस्टॉल करा सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि जो सीपेज वाली वॉल होती है अगर वो उसके ऊपर वॉलपेपर इंस्टॉल कर देंगे तो वो दीवार जो है वो उससे ढक जाएगी, उससे छुप जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि अल्टीमेटली वॉलपेपर की पेस्टिंग होती है वॉल पर। तो आपको इस बात का खासा ध्यान रखना है। तो आप ये देख सकते हैं हमने वही जो पेस्ट था, जो हमने मिक्सचर तैयार किया था, उसको पहले दीवार पर लगाया एंड देन अब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉलपेपर को, जो वॉल है उसके ऊपर पेस्ट कर रहे हैं। बहुत ईजी होता है वॉलपेपर का इंस्टॉल करना। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात कि जो हमने मिक्सचर तैयार किया वो प्रॉपरली मिक्स होना चाहिए, मतलब कि ना तो वो ज़्यादा गाढ़ा हो एंड ना ही बहुत ज़्यादा वो लिक्विड फॉर्म में हो कि वो अगर आप दीवार पे लगा रहे हैं तो एकदम ही वो गिर रहा है। तो उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो डाइल्यूशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद आपको जो मेन बात का ध्यान रखना है कि वॉल पे सीपेज ना हो, वॉल पे प्रॉपर POP या पुट्टी हो, उसके बाद ऑयल प्राइमर आपने लगा रखा हो या एंड उसके बाद पेंट हो रखा है। जैसे कि ये देख सकते हैं वॉल की कंडीशन है, इस वाली जो वॉल की कंडीशन है वो बहुत ही अच्छी है, तभी इसके ऊपर वॉलपेपर अच्छी तरह इंस्टॉल हो पाएगा। ऑलराइट, तो ये आप देख सकते हैं हमने जो ऊपर की कटिंग है वो कटिंग हो रही है विद द हेल्प ऑफ कटर। तो इन सब का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप ये सारे वॉलपेपर्स एंड वॉल की जो टूल्स है वो सब आप परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, सो मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। ऑल्सो हमारी जो सर्विसेज है, वॉलपेपर, PVC फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, आर्टिफिशियल ग्रास, ब्लाइंड्स, कर्टन्स, ये सब हम इंटीरियर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं। तो हमारी जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल हैं इन दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम एंड नोएडा। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं जो एक लेयर है, एक लेंथ है वॉलपेपर की, वो डल चुकी है। तो एक लेंथ का मतलब हुआ कि 10 फीट बाय 42 इंचेस हमने कवर कर लिया है। तो सिमिलरली अब हम दूसरी एंड तीसरी लेंथ भी इंस्टॉल कर देंगे, वॉल पर पेस्ट कर देंगे। जो ये पूरी वॉल है इसके ऊपर 3 लेंथ डलेगी, क्योंकि जो ये वॉलपेपर की विड्थ है वो 42 इंचेस है। अगर वॉलपेपर 21 इंचेस वाला होता तो इसके ऊपर 6 या 7 लेंथ इंस्टॉल होती। तो अब हम आप देख सकते हैं दूसरी लेंथ इंस्टॉल कर रहे हैं
ऑल्सो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम दूसरी जगह इंस्टॉल कर रहे हैं, वी आर मेकिंग श्योर कि जो वॉलपेपर का जॉइंट है वो प्रॉपरली मैच हो, ऑल्सो प्रॉपरली पेस्ट हो। दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि अगर वो प्रॉपरली मैच नहीं होगा तो ऐसा लगेगा कि आपने दो अलग अलग चीज़ को अलग अलग पीस डाले हुए हैं। तो एक पूरा सिंक्रनाइज्ड, एक पूरा जो पैटर्न है, जो डिज़ाइन है, वो प्रॉपरली मैच होना चाहिए। ऑल्सो जो जॉइंट्स हैं, अगर वो प्रॉपरली मैच नहीं होते, खुल जाते हैं या फिर ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो डिज़ाइन तो अच्छा लगता ही नहीं है, ऊपर से वो बहुत अनटाइडी और अनक्लीन सा लगता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर प्रॉपरली जॉइंट्स मैच हो जाते हैं, वहाँ पर टेस्टिंग अच्छे से हो जाती है, तो एक बहुत एलिगेंट, एक बहुत ब्यूटीफुल लुक, जो आपका पर्पस होता है कि वॉल हाईलाइट हो, वॉल अच्छी हो जाए, तो वो जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाता है। ऑल्सो जो आप देख सकते हैं वॉल्स पे स्विचेस होते हैं, लैम्प्स वगैरह या ट्यूबलाइट्स वगैरह लगी होती हैं, तो उनकी भी कटिंग आप कर सकते हैं ईजिली विद द हेल्प ऑफ कटर। ये आप देख सकते हैं, हमने ईजिली उसको कटआउट करके निकाल दिया, उस पीस को हमने निकाल दिया। अब जो हमारा ऊपर का था वो ऑलरेडी हम कट कर चुके हैं, बाकी बीच में कोई स्विच बोर्ड आया या फिर लैम्प आया या फिर ट्यूबलाइट आई, फोटो फ्रेम्स वगैरह तो आप इजीली निकाल सकते हैं, तो वो निकल जाते हैं। जो चीज़ निकाल सकते हैं वो निकल जाती है, जैसे कि आपने घड़ी लगा रखी है या फोटो फ्रेम्स वगैरह लगा रखे हैं, बाकी ऊपर और नीचे से कटिंग हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, हमने नीचे से भी कटिंग कर दी वॉलपेपर की, तो ऑलमोस्ट जो हमारा इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं लुक, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का वॉलपेपर है, काफ़ी अच्छा लुक देता है। तो ये जो हमारा इंस्टॉलेशन है, ये ऑलमोस्ट 3 to 4 hours में पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया था। ये कुछ फ़ायदे हैं वॉलपेपर के, जल्दी इंस्टॉल हो जाता है और कोई भी यू नो स्पिल्स वगैरह नहीं होते, गंदगी नहीं फैलती ज़्यादा। अब मैं इसकी आपको कॉस्टिंग टोटल बता देता हूँ। जो ये वॉलपेपर का रोल है, प्रीमियम क्वालिटी का वॉलपेपर है, सो 2000 rupees का एक रोल है। इसके अंदर 3 रोल लगे हैं, तो मतलब कि 6000 rupees के वॉलपेपर के रोल हो गए। 300 rupees पर रोल जो कॉस्टिंग है वो इंस्टॉलेशन की है, तो 900 rupees आपके इंस्टॉलेशन के हो गए। टोटल कॉस्ट जो आई वो आई 6900। बाकी हमारी जो वॉलपेपर की रेंज है वो 1000 rupees से चालू हो जाती है। इंटीरियर रिलेटेड प्रोडक्ट्स की जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं इंटीरियर रिलेटेड प्रोडक्ट्स को लेकर, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी डील इन दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद एंड नोएडा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।